अहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक भाई ने ख्वाब पूछा कि उसने बाल देखे हैं और अपनी हथेली पर देखे हैं। हथेली पर बाल देखना किस चीज़ की अलामत है, यह ताबीर क्या होगी? हथेली पर कोई भी भाई या बहन ख्वाब देखे तो इसका मतलब यह है कि उस पर कर्ज होगा और उस पर फिक्र और गम सवार होगा। कर्ज हो या फिक्र गम हो, ये दोनों अच्छी चीज़ें नहीं हैं। जो भाई या बहन देखे उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा सदका कर दे, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह कर्ज से भी महफूज फरमाए, अल्लाह फिक्र परेशानी और दुख से भी महफूज फरमाए। सदका कर देंगे चाहे वो एक रुपया हो, पाँच रुपये हों, यकीनन अल्लाह सदके की बरकत से मुसीबतें टाल देते हैं। और यहाँ तक कि कर्ज से सिमना जाता फरमाते, साथ ही फिक वो नहीं करते, सदका और इस्तगफार नहीं करते। जो बंदा कसरत से सदका और इस्तगफार करेगा, जो भाई या बहन, अल्लाह सारी तकलीफों से उसको निजात दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इधर सदका दिया उधर सारी मुसीबत ख़त्म, इधर इस्तगफार किया अस्तगफुल्लाह कहा उधर सारी परेशानी ख़त्म, ऐसा नहीं होता। अल्लाह अपने प्रोसेस से चलाते हैं लेकिन सारी तकलीफें दूर करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहनें हमारे इस पैगाम पर ख़ुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी कराएँगे। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह एक बहन ने ख्वाब देखा कि वो कह रही मैंने सूरज को देखा है लेकिन उसमें रोशनी कोई नहीं। बेरोशन सूरज देखना और या इसी तरह अंधेरे वाला सूरज देखना, इसका मतलब है कि गलती होगी, कोई गुनाह हो सकता है और कोई भी मक्कारी का काम हो सकता है, और या तौबा करे तो तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह हर चीज़ कबूल करते हैं, तौबा से कभी भी बाज ना आइए, तौबा से कभी भी ना रुकिए। शैतान अगर गुनाह से नहीं रुको रुकने देता, नहीं छोड़ने देता गुनाह, तो आप तौबा ना छोड़िए। अल्लाह गुनाहों से महफूज फरमाए, मकारी से भी महफूज फरमाए, अय्यारी से भी महफूज फरमाए। अल्लाह अपने हबीब की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने भाइयों से अपनी बहनों से इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि तौबा ना छोड़िए, किसी हाल में भी तौबा ना छोड़िए। खुसूसन ऐसा ख्वाब जो भाई या बहन देखे, समझो उससे कोई गलती, कोई गुनाह, कोई मुस्तकिल नाफरमानी हो रही है। नाफरमानी करना अल्लाह के रसूल की सस्ती नहीं है, महंगी पड़ती है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहनें अगर गुनाह नहीं छोड़ सकते तो तौबा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या है, सबसे बढ़िया तकवा क्या है, असल नेकी क्या है? गुनाह से बाज आ जाना, गुनाह को छोड़ देना। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनें वो नेकियां तो करते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। असल नेकी, सबसे बड़ी नेकी, गुनाह छोड़ना है, नाफरमानी छोड़ना है अल्लाह अल्लाह के रसूल की। मेरे भाई को मेरे बहनों को अल्लाह 100% नाफरमानी से महफूज फरमाए। इसी तरह एक बहन ने ख्वाब देखा, कह रही मैंने सूरत दहर तिलावत की है, ख्वाब में सूरत दहर बड़े मज़े से तिलावत कर रहा हूँ, ये किस चीज़ की अलामत होगी? ऐसा शख्स, ऐसा भाई या बहन जो सूरत दहर ख्वाब में तिलावत करते हैं, समझे उनको अल्लाह वालों से मोहब्बत होगी और अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी। जब अल्लाह वालों और अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी या मुसलमानों से अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी, इखलास के तहत मोहब्बत करेगा, नफरत नहीं करेगा, तो इसका मतलब ही अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी, इसको अल्लाह की रजा हासिल होगी और अल्लाह के मुकर्रबीन में अल्लाह इसको शामिल फरमा देंगे। अल्लाह मेरे भाइयों को मेरे बहनों को मुकर्रबीन में शामिल फरमाए, अपने कामिलीन में शुमार फरमाए, अपने महबूबीन आला दर्जा अता फरमाए। मैं इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ अपने भाइयों से अपनी बहनों से, खुदा रहा तय कर लीजिए, हर किस्म की नाफरमानी को छोड़ दीजिए, हर किस्म की नफरत, गालम गलोच, गीबत, बुराई, बोलतान, इल्ज़ाम तराशी हमारे माशरे में आम है, इसको गुनाह नहीं समझा जाता, छोड़ दीजिए। अल्लाह अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी में आ जाइए, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आखरत भी बना देगा।